क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तांशीपुर में खड़े हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नकल विरोधी जो कानून भाजपा की प्रदेश सरकार धामी जी द्वारा लागू किया गया है, उसका स्वागत यहाँ पर किया गया है। युवा उसे अच्छा बता रहे हैं और यहाँ पर आज निशंक पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे निशंक जी से बात करेंगे, और जो भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं? पोखरियाल निशंक है जो कार्यक्रम में पहुंचे, सर क्या कहना चाहेंगे? आज युवाओं से आपने बातचीत करी, यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता उनसे बातचीत करी, क्या संदेश दिया आपने? आपने तो देखा है कि आज युवा मोर्चे में कितना जोश है, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से नकल के विरोध में सख्त कदम उठाया है और ऐसा कानून बनाया है ताकि भविष्य में कोई सोच भी न सके, सोचते उसके रूह कांपे, जो सख्त कानून बनाया है युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आज पूरे प्रदेश का युवा बहुत खुश है, आनंदित है और भरोसा किया है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है उसको पूरे प्रदेश में पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं उनके पक्ष में, कि उनके समर्थन में धन्यवाद के रैलियां निकल रही हैं। तो वो जो रैलियां निकल रही हैं धन्यवाद रैलियां, वो धन्यवाद रैलियां आज यहाँ से भी होकर के गुजर रही हैं। इस मंडल के अध्यक्ष जो अभी नया नियुक्त आर्यन है वो उसके नेतृत्व में हुआ, और जिला अध्यक्ष हमारा जो गौरव कौशिक है पूरे जिले में 9 मंडलों में हो गया, लगातार हो रहा है। तो युवा मोर्चे में जो उत्साह और उमंग है, और मुख्यमंत्री जी को सरकार को जो धन्यवाद दिया जा रहा है, इनको हम बधाई देने के लिए यहाँ पर आए। आपके द्वारा लगातार आज भगवानपुर में कई लोगों को कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं लगातार जुड़ रहे हैं, कल भी कुछ लोग जुड़े थे, उन चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा देख रहे हैं भाजपा के अंदर जो लोग जुड़ रहे हैं? आप उनसे जरूर पूछे ना, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि अब बीजेपी के अलावा कुछ रह ही नहीं गया, और इसलिए चाहे BSP है कांग्रेस है, लगातार जुड़ रहे हैं और सभी वर्गों के लोग जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी के सिवा कुछ है क्या? ये जो झूठ और जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की राजनीति लंबे समय तक चली, अब लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने काम देखा है, और हमने 50 वर्ष 60 वर्षों में जितना काम नहीं हो सका उतना 5 और 7 सालों में हरिद्वार जनपद के अंदर, इस लोकसभा के अंदर किया। लोग प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये बरगलाने वाले लोग केवल अपने बाल नोचते रह जाएंगे, लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। लास्ट क्वेश्चन है कि जिन युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज करा था आपकी सरकार में अभी बीच में, उन युवाओं को कैसे मना पाएंगे? उन युवाओं को मालूम है कि सरकार की मंशा उनके साथ है, अच्छे है, गलती जिससे भी हुई होगी, और जो अनावश्यक लोग वो स्वयं महसूस करते हैं कि कुछ सामाजिक तत्वों ने वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की, उनको भी चिन्हित करके उनको भी जेल भेजा जा रहा है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष इंजीनियर गौरव कौशिक जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इतना जो युवाओं के भविष्य करने वाला जब इतना सख्त और इतना सशक्त नेतृत्व, तो अपने आप हर्ष और उल्लास का विषय है, और उसी हर्ष को लेके हम लोग क्षेत्र के अंदर निकले हुए हैं, सभी मंडलों के अंदर हम लोग जा रहे हैं, और सब लोगों के बीच में हम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि इतना सख्त कानून लेके आए हैं कि अगली बार अगर कोई युवाओं के भविष्य से खेलना भी चाहे तो उसकी रूह कांप जाए। तो इस तरीके का कानून धामी जी लाए, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं और आभार कर रहे हैं एक पद यात्रा रैली के माध्यम से। गौरव जी, ये कब तक चलेगा कार्यक्रम, आज कहाँ कहाँ था आपका कार्यक्रम? अभी हमारे 12 मंडल हैं रुड़की जिले के, जो संगठनात्मक जिले हैं, और उस रुड़की जिले में 9-12 मंडल है, उसमें से हमारे 9 मंडल में पूरा हो चुका है, अभी 3 मंडल और है, कल भगवानपुर और जबरेड़ा के दूसरे मंडल में, और आपका सुभाष नगर, कल भी 3-4 मंडल के अंदर ये कार्यक्रम होने वाला है। जो कार्यक्रम के संयोजक थे गोविंद पाल जी, उनसे बात करेंगे। जो नकल विरोधी कानून धामी जी ने लागू किया है, पूरे प्रदेश भर में सभाएं करके और यात्रा करके ये मनाया जा रहा है, और हरिद्वार रुड़की जिले में भी बड़े भाई गौरव कौशिक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 8-9 कार्यक्रम हो चुके हैं, और जो बाकी मंडलों में कार्यक्रम बचे हैं वे पुनः कल समापन उनका हो जाएगा। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भी है आर्यन त्यागी जी। जी, ये जो असामाजिक तत्व होते हैं वो हर पार्टी में, हर उसमें, लेकिन हमारी पार्टी में कोई ऐसा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अगर कोई ऐसा कार्य हुआ अभी है जिससे हमारी युवा नाराज हैं, तो हम उनको लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमने उसी को लेकर जो ये कार्यक्रम हुआ है उसी को लेकर हुआ है भाई साहब, कि जो हमारे युवा हैं
उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए और आगे ऐसा कोई भी कार्य किसी की भी सरकार में प्रदेश में ना हो पाए, इसी वजह से इस कानून को लाया गया है। और ये इतना सख्त कानून है, जैसे कि बड़े भाई ने भी हमारे बताया, अध्यक्ष जी ने, कि 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास, मतलब आगे कोई पेपर लीक के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो हम देख पा रहे थे यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, वो क्या था सर? जो हस्ताक्षर अभियान था वो हमारे प्रदेश से ही कार्यक्रम का वहाँ पर है, तो ये बैनर हम सोच रहे हैं कि धामी जी को एक तोहफे के रूप में दे कि आपके जो कानून है, हमारे इतने साथियों ने, इतने युवाओं में हमारे मंडल ने वो सहयोग प्रतिभाग किया है हमारे कार्यक्रम में और इस जो हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने अपना समर्थन जताया एक तरीके से। मंडल अध्यक्ष झबेड़ा ग्रामीण संजय कश्यप जी, आज युवा मोर्चे के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार ने ये सख्त नकल कानून बनाया है उस पर कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं अपनी ओर से अपने जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को समर्पित पार्टी है, सरकार है। एक नारा चला था भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले, ना भय ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो भाजपा सरकार में ना भय है ना भ्रष्टाचार है। हमारे साथ ध्रुव गुप्ता। देखिए, आज ये कार्यक्रम किया गया, आप देखिए 22 साल के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सख्त धर्मांतरण कानून, सख्त नकल विरोधी कानून लाने की बात कही है। चाहे आज आप उत्तराखंड के अंदर सख्त धर्मांतरण कानून की बात करें, चाहे आप देखिए भारत के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात है। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था पूरे भारत को उत्तराखंड के अंदर कि 21वीं सदी का दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी संकल्प को, उसी नेतृत्व को बढ़ाते हुए धामी जी अब आगे बढ़ रहे हैं। हमें धामी जी के साथ उनका प्रोत्साहन, उनका उत्साह बढ़ाना होगा। देखिए, जो पेपर लीक की बात है, आप देखिए राजस्थान हो, हरीश जी सरकार में कितने पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए जब राजस्थान में यदि आज पेपर लीक होता है तो 1 साल बाद 2 साल बाद पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ 1.5 महीने में मात्र धामी जी, धाकड़ धामी की सरकार ने ये करने का कार्य किया है। तो आपने देखा यहाँ पर युवा काफी उत्साहित नजर आए और इस तरह के कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लेने की बात करी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि धामी सरकार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार में ही भविष्य युवाओं का सुरक्षित है।